सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। फलस्तीन और कुद्स में बेशुमार यहूदी आबाद हो जाएंगे, फिर हम अपना खेल शुरू करेंगे। जो यहूदी नहीं है उन्हें यहूदी बनाएंगे। शहजादे अब्दुल कादिर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। हिरम वेटिकन का जासूस है, उसकी आखिरी गुफ्तगू में हमारे बारे में एक राज छुपा हुआ है। उसी राज को जानने के लिए हमने तुम्हें उसे मारने से रोका था। सबातीन ने बड़ी चालाकी से अपना मंसूबा तब्दील कर दिया। वो पीछे औरत सारा हिदाया है। महमूद पाशा की खत्तारी से पर्दा हम उठाएंगे, मगर आपसे दरखास्त है कि इस मामले में हमारी चाल का इंतजार कीजिए। बर्तानिया हमारे खिलाफ ऐलान जंग करने वाला है, यूं समझे हमने भी अलम जंग बलम कर दिया है। मुझे यहाँ रोक नहीं सकेंगे आप, क्योंकि जो मेरे साथी हैं वो मुझे बचा लेंगे पाशा, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जो असलहा आपके पास है उसकी फहरिस्त भेजें, कोई नई चीज है तो उसका भी बताएं हमें। असलहे की जो भी कीमत होगी अदा कर दी जाएगी। एक बहुत शातिर इंसान है, वो नहीं जानता कौन उससे जंग करेगा, और ये जानने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेगा। नूर नजर कमालुद्दीन से आपकी और वासफी से खदीजा की शादी एक ही दिन करेंगे। हमारा शोहर बनने वाला है वो, उस वासफी ने सुल्तान को सब कुछ बता दिया। वो 150 किलोमीटर की पटरी भी बोली जीतने वाले को ही तामीर करके देनी होगी, मगर मकाम जाने बगैर ये कबूल करना मुश्किल है। ये हमारी शराइत है। मुझे लगता है अब नहीं आएगा, तो जाओ तलाश करो उसे और उसे यहाँ ले आओ पकड़ के। उससे कहना कि वेटिकन से तुम्हारे लिए पैगाम आया है और तुम अब तक यहाँ पहुंचे नहीं। आ गया हूं। बहुत खूब, शिकार ने चारे की बू सूंघ ली, अब शुरू होगा खेल। महल से हमारे जासूस ने खबर दी है, सुल्तान आज रात भेस बदलकर खानकाह में जाएगा, उसे मार दो। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अब्दुल हमीद।
अब्दुल हमीद 150 किलोमीटर तवील पटरी बिछाना चाहता है पाशा, क्या आप उसका मकाम जानते हैं? अब्दुल हमीद कभी अपने राज खुद अपने सामने भी जाहिर नहीं करता, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? दुरुस्त कहा, जानता हूँ मुश्किल है ये, लेकिन हमें मालूम करना ही होगा। रास्ते में कहीं तो कोई रुकावट जरूर है, मालूम करें। जनाब कॉनरेड, मैं भी एक उस्मानी पाशा हूं, पता लगा लूंगा। शहजादा अब्दुल कादिर क्या कह रहे थे? जज्बात का इजहार कर रहे थे, दिल का हाल बता रहे थे और फूलों का तस्किरा कर रहे थे। अजीब है उनकी बातें, क्या फूल से भी कोई फूल का तस्किरा करता है? क्या मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। शहजादा अब्दुल कादिर बहुत हिम्मत वाले हैं, हिचकिचाते नहीं है अपने जज्बात बयान करने में। तो ये बात है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है। अगर मोहब्बत हो तो जसारत भी होनी चाहिए, जज्बात का इजहार जरूरी है। बुज़दिल अपनी मोहब्बत खो देते हैं। मंजिल आ गई है। जिंदगी में एक अहम सबक सीखा है मैंने, बुज़दिल लोग कभी जीत नहीं पाते। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, अब अपना काम मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया, जा सकते हैं आप, मुझे अपनी हिफाजत के लिए बुज़दिल की जरूरत नहीं। ये हुक्म हमारे सुल्तान का है, आप मुझे भेज भी दें लेकिन फिर भी रुकूंगा मैं। दीन से प्यार, मिल्लत से प्यार, रियासत से प्यार करोगे और किसी से नहीं कर सकते। अब्दुल हमीद ने रेलवे का मंसूबा दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया है, सूरत हाल हसास है। बात क्या है बाबा? उस रेलवे मंसूबे का 150 किलोमीटर का एक हिस्सा ऐसा है जिसे खुफिया रखा गया है। उसके दिमाग में क्या मंसूबा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्दुल हमीद के रास तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं मालूम करके रहूंगा। खैर, बहुत जल्द ही कयामत आने वाली है, ये जमीन लरज उठेगी। अगर अब्दुल हमीद इस तबाही से बच गया तो फिर उसे कोई खत्म नहीं कर सकेगा। शहजादे से खुफिया रास्ता मालूम कर लूंगा मैं। हाँ, आखिर अब शहजादा मुकम्मल तौर पर हमारे साथ है। ठीक कहा बेटा, क्योंकि अब्दुल कादिर आजादी का हामी है, आजादी के आशिक को ये जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। अब्दुल हमीद को तख्त से उतारने के बाद जिंदा देखना चाहता है तो इतना तो उसे करना ही होगा। करेगा बाबा। सुल्तान मौसम, कहिए पाशा। बंदरगाह से खबर मौसूल हुई है, ये देखिए वो लोग ये इश्तिहार फलस्तीन भिजवा रहे हैं। मैंने सोचा आप इसे एक नजर देख लें। मेरे सुल्तान, लिखा है कि जैतून के कारखाने के लिए एक इदारा फलस्तीन में जमीन खरीदेगा, इसके बदले बोसफोरस के किनारे रिहायशी अराजी दी जाएगी। क्या कोई जैतून के कारखाने के लिए इतनी जहमत उठा सकता है? तिजारती नुक्ते नजर से गैर मुनाफा बख्श है। थियोडोर हर्जल के अखबार का नाम क्या है पाशा? न्यू प्रेस। इस अखबार को टेलीग्राम भेजें, पाया तख्त का हुक्मरान आपका दोस्त एक दरखास्त कर रहा है, जैतून का कारखाना महज एक धोखा है, बस ये खबर शाया कर दें। पाशा, ये लोग जो जमीन फलस्तीन में हासिल करना चाहते हैं वो अर्ज मऊद है। वादा शुदा सर जमीन, वो चाहे जितना भी इनकार कर लें, उनका हदफ मुसलमानों की जमीन हथियाना है। जब तक हमारी जिंदगी है पाशा, हम उन्हें इस मकसद में हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। आपने पढ़ा शहजादे, रेलवे मंसूबे पर सुल्तान ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। हाँ, हमारे वालिद मोहतरम जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ते। मेरा ख्याल है कि इस मंसूबे में आपको भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। पहले कौन से काम में दिलचस्पी ली है हमने सबातीन, जो इस काम में दिलचस्पी लेंगे? यही बात है, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है शहजादे। हम अब तक सिर्फ आजादी का बोझ उठाए फिर रहे थे,
उसे आसमान की बुलंदी तक ले गए, लेकिन अचानक एक आमिर आया और उसने हमें नीचे धकेल दिया। मगर हिम्मत नहीं हारी, बार बार कोशिश करते रहे। हमेशा यही होता रहा हमारे साथ, हम नीचे गिरते गए बुलंदी से। क्योंकि शहजादे, हम आजादी का ये बोझ अकेले ही उठाते रहे, किसी को साथ मिलाना चाहिए था। तो क्या करते सबाती, कौन है जो हमारी मदद करता? मेरे भाई, यूरोप में हजारों आजादी पसंद लोग मौजूद हैं। आपका रेलवे मंसूबे में शामिल होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसका रेलवे मंसूबे से क्या ताल्लुक है? अंग्रेज हमसे कुछ मालूमात चाहते हैं। अगर आप इस मंसूबे में शामिल हो जाएं, तो हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं सबाती, हम जासूसी करेंगे? देखें देखें शहजादे, देखें। आप जानते हैं ये मजामीन कैसे लिखे जाते हैं? हाँ? आपको क्या लगता है आजादी की जद्दोजहद करना इतना आसान है शहजादे? यूरोप की मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन अखबारात को चलाने के लिए अंग्रेज ही नहीं, फ्रांसीसी भी हमारी मदद कर रहे होते हैं। अब अगर एक छोटी सी मालूमात हमारे मददगार दोस्तों को दरकार है, तो हमें उनकी मदद करनी होगी जी। और अगर आप मदद नहीं कर सकते, तो अच्छी तरह पढ़ लें इसे, क्योंकि हो सकता है इसमें नजरिया आजादी के आखिरी मसामीन हो। सबाती, आजादी की खातिर करेंगे हम। क्या आपने कोई लिबास सिलने दिया है? नहीं नहीं, हमारे पास तैयार लिबास भी है अगर आप देखना चाहें, या आप चाहें तो कपड़ा पसंद करके लिबास सिलवा सकती हैं। तैयार लिबास देखूंगी। क्यों नहीं, दरअसल मेरे पास काफी वक्त है, मैं तैयार लिबास भी देखूंगी और कुछ सिलवा भी लूंगी। जैसा आप मुनासिब समझे। ये लीजिए मोहतरमा। बहुत शुक्रिया, कोचवान आकर ले जाएगा। हमें आप जैसी नफीस खातून के लिए लिबास तैयार करके खुशी होगी। देखिए, ये फ्रांस से शाया होता है। यूरोप में खवातीन आजकल इसी तरह के लिबास पहन रही हैं। इसे अपने पास रखिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। उमर, काम खत्म हो गया? हाँ हो गया है, बहुत थक गई हूँ। अंदर से जाके सामान ले आओ मेरा। हाँ जरूर। वाकई आप थक गई होंगी, इतना ज्यादा वक्त जो लग गया। सिर्फ इसके लिए आपने इतना वक्त लगा दिया? हाँ तो एक लिबास खरीदने के लिए कोई इतना वक्त लगाता है क्या? सुल्ताने मुअज्जम, ये हैं वो खतरनाक हथियार जो दुनिया की तमाम अफवाज मिठाइयों की तरह धड़ाधड़ खरीद रही हैं ताकि वो कुव्वत बढ़ा सके। विंचेस्टर राइफल, जैसा मैंने पहले बताया था, पैदल अफवाज के लिए। वो क्या है? मैक्सिम, जदीद मशीन गन। ये गैस के दबाव से चलती है और अटकती नहीं। एक मिनट में 100 गोलियां चलाती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है लाश के। जहरूफ अफंदी, ऐसी 1000 फराहम करें
और 10,000 बंदूकें भी चाहिए, लेकिन जो जंग हम लड़ने वाले हैं उसमें तोपें इस्तेमाल होंगी। हमें 3,000 तोप के गोले भी चाहिए। मेरे सुल्तान, इतना सादा अस्तिया किसी बड़ी जंग की खबर दे रहा है? बरतानवी, फ्रांसीसी, रूसी, हत्ता के जर्मन भी खौफजदा हो जाएंगे, रुकावट जरूर डालेंगे। रुकावट डालने से पहले उन्हें हमारा सामना करना होगा। जो कहा है वो करें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। ये अस्तहे के नमूने आपके लिए तोहफे हैं मेरे सुल्तान। ज़हरूफ़ के जहाज का ताकुब करवाया आपने? वो रूसी साहिल की जानिब बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है रूसी हमारे खिलाफ जंग की तैयारी में मसरूफ हैं। लोमड़ी का पीछा करने वाले अक्सर फंस जाते हैं। यतीम खाने जाने की तैयारी मुकम्मल है? जी मेरे सुल्तान। हम भेस बदल कर जाएंगे। जैसा आप चाहें। क्या हो रहा है? खून की बू आ रही है, उसे फैलाना चाहता हूं। किसके खून की? खूनी सुल्तान के। एक अहम इतला मिली है। अब्दुल हामिद आज रात अकेला खान का जाएगा और हम इफ्तार के फौरन बाद वहां पहुंच जाएंगे। क्या ये मालूमात मुस्तनद है? वेटिकन से आज तक कोई गलत खबर आई हो ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें फिर भी मोहतात रहना चाहिए हिरम। लेकिन इस खबर की तस्दीक का एक और आसान तरीका है, तुम्हें पसंद आएगा। कौन सा तरीका? तुम पहले मालूम करो कि मेरे जहाज का पीछा हो रहा है और उसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इस खबर की तस्दीक का तरीका क्या है। ठीक है। वैसे भी सोच रहा था कि शाम का वक्त कहां गुजारूंगा, मालूम करता हूं। आपसे एक दरखास्त है वालिदा। हम रेलवे के मंसूबे पे काम करना चाहते हैं। बाबा से बात कर लीजिएगा आप। क्या हुआ है अब्दुल कादिर? यानी ये तो बहुत अच्छी बात है, सुल्तान मौजम सुनकर बहुत खुश होंगे, मगर आपको ये ख्याल आया कैसे? सबातीन का मशवरा है। सच कहें तो हमारे जहन में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मशवरा अच्छा है बहुत। ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल कादिर? अगर ये मशवरा सबाहुद्दीन ने आपको दिया है तो इसमें फायदा हमारा नहीं उनका होगा। हमारा भी यही ख्याल है वालिदा। हमें यकीन है जब हम इस मंसूबे में शामिल हो जाएंगे तो सबाहुद्दीन जरूर हमसे कोई मुतालबा करेगा। और आप अपने दोस्त को इनकार नहीं कर पाएंगे? वालिदा, अगर हमें महमूद पाशा से पीछा छुड़ाना है तो पहले हमें उनका एतमाद हासिल करना होगा। अगर हमें कामयाब होना है तो उसकी कीमत भी अदा करनी होगी। किस किस्म की कीमत अब्दुल कादिर? हमने मंसूबा बना लिया है, हम उन्हें वो खुफिया रास्ता बता देंगे। वो रियासत का एक अहम राज है। एक पाशा की गद्दारी को साबित करने के लिए ये कीमत बहुत ही कम है वालिदा। राजों का इजाला मुमकिन है लेकिन गद्दारी का बिल्कुल नहीं। आपके मामू की किस्मत भी इस वक्त आपके हाथ में है। मामू को बचा लेंगे हम। कैसे? इन तमाम साजिशों के पीछे पुपी जान का भी हाथ है। वालिदा, आप उनसे बात करके देखें और कहें कि सबाहुद्दीन को हमने बचाया है और बदले में वो खत तलब कर ले। हम इस तरह मामू के सर पर मंडलाता खतरा टल जाएगा और हमें भी महमूद पाशा का एतमाद हासिल हो जाएगा। और इस बार सबूत के साथ हम उनकी गद्दारी साबित करके ही रहेंगे।
होशियार। मेरे सुल्तान, इथम पाशा, रजा पाशा, फुआद पाशा और मैं इकट्ठे होते हैं तो जंग की ही बातें होती हैं। ऐसा क्यों पाशा? क्योंकि हमें जंग के अलावा कुछ आता ही नहीं। आप लोग सख्त जंग देखने वाले जंगजू पाशा हैं, लेकिन इस बार सख्त तरीन जंग का सामना होने वाला है। आपका मतलब है कि जंग शुरू होने वाली है सुल्तान मौजम? हम मुसलसल हालत जंग में हैं। सियासत में हमारा मुकाबला गद्दारों के साथ है, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है। अंग्रेज खुद को पसे पर्दा रखकर किसी और रियासत से ऐलान जंग करवाएगा। कहीं वो रियासत रूस तो नहीं? वो यही तासुर देना चाहते हैं पाशा। हम जंग के लिए तैयार हैं, हर महाज पर फतह हमारी ही होगी। मशरकी इलाकों की सूरत हाल क्या है? अर्जरूम, कर्स और कफकस में हमारे सिपाही तैयार हैं। हमीदिया में कायम मोर्चे भी मुजाहमत के लिए काफी हैं। आफरीन। अस्करी सरबरा रिजा पाशा, मशरकी फौजों को आगे बढ़ने का हुक्म दें। सरहद तक पेशकदमी करें, नकलो हरकत मालूम हो जाएगी। हमारा मुखालिफ कौन होगा इस बारे में इल्म बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन ये जंग इन उसूलों पर लड़ी जाएगी। पहला, हम सामने रहते हुए भी खुफिया रहेंगे, खाली इलाकों की तरफ पेशकदमी करेंगे। उन्हें हमारी फौज का मकाम और मोर्चों की तरतीब भी मालूम होगी। हम ऐसे जाहिर करेंगे जैसे ये हमारी मामूल की मशकें हैं। मकासिद खुफिया रखेंगे, हम हदफ को राज रखने के लिए रास्ता तब्दील करेंगे। यानी हमारे मकाम में कोई तब्दीली नहीं आएगी और हम दुश्मन के सामने जाहिर रहेंगे। दूसरा, अपने मंसूबे पर अमल करके अपनी तैयारियां मुकम्मल करेंगे और दुश्मन के हमले का इंतजार करेंगे। जब हमें ताकत हासिल हो जाएगी फिर उन्हें थकाएंगे। हम हुक्म देंगे कि जब तक मरकज से हिदायत मौसूल ना हो जाए तब तक हमला नहीं करना है हमें। तीसरा उसूल, हम अपने फौजियों के गिर्द हिसार बनाएंगे, हमलों के लिए जाली फौजी दस्ता बनाएंगे, उससे दो बार जाली हमले करवाएंगे। पहली दो बार दुश्मन जवाब देगा, लेकिन तीसरी बार तजब्जुब का शिकार होगा और इसी मर्तबा वो शिकस्त खा जाएगा। पाशा हजरात, अंग्रेज हमारे मुकाबले पर किसको भेजता है जल्द इल्म हो जाएगा, लेकिन हम रूसियों की जानिब से हमले को पेश नजर रखते हुए अपनी तैयारियां मुकम्मल करेंगे और मगरबी महाज पर तंजीमें नौ करेंगे। जंग की निगरानी हम बजाते खुद करेंगे। जैसे आप कहते हैं। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था, अब्दुल हामिद जहाज का ताकुब करवा रहा है। बहुत खूब, पूरी दुनिया का खलीफा मेरे ताकुब में है और मैं हूं कि उसे गलत महाज पर ले जा रहा हूं। हिरम, मेरी बात सुनो, उस महमूद पाशा का कोई एतबार नहीं। अगर उसे पता चल गया तो वो हमें बेच देगा। उस्मानियों को आखिरी लम्हे तक पता ना चले कि उन पर हमला कौन करने वाला है। ये भी तो मुमकिन है कि जंग की नौबत ही ना आए, अब्दुल हामिद को मारकर सारा झगड़ा ही खत्म कर दूं। नहीं, जंग होनी चाहिए ताकि हम दौलत कमा सकें। वैसे अब्दुल हामिद के बारे में मालूमात की तस्दीक कैसे करोगे ये तो बताओ। उस्मानी सुल्तान इफ्तार के लिए कहीं जाएगा तो इफ्तारी का सामान लाजमी महल से ही भिजवाया जाएगा, बरकत के लिए। यानी अगर हम उस सामान का ताकुब करें तो अब्दुल हामिद कहाँ जाने वाला है मालूम किया जा सकता है। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। बहुत कीमती मालूमात हैं ये। वादा करता हूँ कि अगर अब्दुल हामिद के मरने से जंग नहीं हुई तो आपके लिए एक नई जंग शुरू करवाऊंगा। कहाँ चले? महल से जाने वाले सामान का ताकुब करने, ताकि मालूम हो सके कि अब्दुल हामिद कहाँ जा रहा है। आ जाइए। सुल्तान मौसम,
मलिका आइए, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हम सुन रहे हैं। अब्दुल कादिर, वो रेलवे के मंसूबे में काम करना चाहते हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो हमें यकीन है ये मंसूबे के लिए भी बेहतर होगा और उनके तजुर्बे में भी इजाफा होगा। बहुत अच्छा है, मुनासिब रहेगा। आईने पसंद है आपको मलिका? जानते हैं आपको पसंद है। एक बार हजरत यूसुफ के पास उनका दोस्त जियारत के लिए आया। जियारत के बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, आपको हदिया देने का जब भी सोचता हूं तो अगर अपना जिस्म और जान आपको हदिया करूं तो यह एक बहुत ही मामूली सी बात होगी। कहने लगा, आपके हुस्न के लायक तोहफा तलाश करना मुश्किल तरीन काम है। लिहाजा उसने कहा, मैं आपके लिए यह आईना लाया हूं, इसमें देखेंगे तो आपको अपनी दमकती हुई खूबसूरती नजर आएगी। आप खुश होंगे और मुझे याद करेंगे। यह आप पर आपका हुस्न आश्कार करेगा। आपको देने के लिए इससे बेहतर तोहफा नहीं मिला हमें। देने वाले हाथों पर भी ये बात सादिक है मेरे सुल्तान। ज़ैनब, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ उमर। देखो, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, कोई हल जरूर निकाल लूंगा मैं। नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। उमर, आसिया खाला के लिए रो रही हूं मैं। उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। खाला को तुम्हारी शादी की बहुत ख्वाहिश थी। उन्हें तुम्हारी शादी देखना नसीब नहीं हुई। उनकी वसीयत थी ये। दुरुस्त कहा तुमने ज़ैनब, मैं भी शादी करना चाहता हूं। क्या वाकई उमर? बिल्कुल, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। जल्दी शादी करने वाला हूं मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुनासिब वक्त देखकर आसन से बात करूंगा, शादी के लिए उसका हाथ मांगूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो उमर? क्या मतलब है आसन से? मैंने सालों इंतजार किया है तुम्हारा। आसिया खाला भी मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। उन्होंने कहा था मेरी शादी तुमसे करवाएंगी। मैं रोज दुआ करती हूँ कि मेरी शादी हो जाए तुमसे, और अब तुम कह रहे हो कि आसन से शादी करना चाहते हो। ज़ैनब, रहने दो उमर, रहने दो। ज़ैनबा जी, रोए मत, मैं बड़ा होऊंगा तो आपसे शादी कर लूंगा, बस आप उदास मत हो। बाजी, आइए बिदार खातून। हम आपसे वो खत लेने के लिए आए हैं स्नेहा सुल्तान। कौन सा खत? कैसा खत? हमारे पास आपका कोई खत नहीं है। बिल्कुल है, खत है स्नेहा सुल्तान, और यकीनन वो खत आपने जबरदस्ती लिखवाया है।
ये इल्जाम है हम पर, यानी आप तो हवा से चूल्हा भी बुझ जाए तो इल्जाम हम पर ही लगाएंगी। चलिए हम आपको एक मसले की हकीकत बयान कर देते हैं। शहजादा अब्दुल कादिर को हमने भेजा था सबाहद्दीन को बचाने के लिए। क्या, कैसे? हम नहीं चाहते थे कि बच्चों की गलतियों की वजह से सुल्तान को तकलीफ पहुंचे। अगर सुल्तान को मालूम होता कि सबाहद्दीन पकड़ा गया है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती, इसलिए ये बात हमने उनसे छुपाई। मतलब ये स्नेहा सुल्तान, हमें अपने भाई पर से शक दूर करने के लिए वो खत आपसे चाहिए होगा। मेहरबानी फरमाकर खत दे दीजिए। बंदोबस्त करते हैं उसका हम। क्या है इसमें? सुल्तान मुअज्जम के लिए इफ्तारी का सामान है। ए, खैरियत तो है वालिदा? अब्दुल कादिर मेरे बेटे, अब्दुल कादिर। क्या हुआ अब्दुल कादिर को? उसने बिदार को हर बात बता दी है। ये क्या कह रही हैं आप? जो आपने सुना सबाहद्दीन, अभी सिर्फ बिदार को बताया है उसने, लेकिन आप मोहतात रहिएगा। शहजादे अब्दुल कादिर, आप कैसे मेरा राज फाश कर सकते हैं? शहजादे, ये दिन देखने से पहले मौत क्यों नहीं आ गई मुझे? इससे बेहतर तो जिंदान जाना था। अगर आपने मुझसे गद्दारी ही करनी थी तो फिर बचाया क्यों था मुझे? आ जाएं। शहजादे, सुल्तान मौसम आपके मुंतजर हैं। रेलवे के मंसूबे की मुशावरत शुरू होने वाली है। ठीक है तहसीन पाशा, आ रहे हैं। हमने आपसे या नजरिया आजादी से गद्दारी नहीं की सबाहद्दीन, हमें आपको परेशानी से बचाने के लिए वालिदा को बताना पड़ा। अब हम चलते हैं रेलवे मंसूबे की मालूमात हासिल करने। यहीं रुकना। क्या बात है अरसल, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अब्दुल हमीद यह खबर शाया करना चाहता है कि जिस इदारे के जरिए हमने मंसूबा बनाया है वो एक जाली इदारा है। क्या फजूलियात है, आप यकीनन नहीं छापेंगे। छापनी पड़ेगी। होश में तो हैं आप? अपने ही हाथों से, अपने ही अखबार में ये छापेंगे कि ये इदारा धोखेबाज इदारा है? ये खबर छापनी ही पड़ेगी। याद रखिए, अगर ये खबर छप गई तो आपके इदारे की साख बिल्कुल तबाह हो जाएगी, हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। ये खबर छापने के लिए दे दो, मगर किसी के हाथ लगने से पहले सारे अखबार हटा दिए जाएंगे, समझ गए? फिक्र मत करें, अब्दुल हमीद का यह मंसूबा नाकाम हो जाएगा। आप दोनों भी इस मंसूबे में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमें खुशी हुई जानकर। हम जानते हैं कि आपका ख्वाब है सुल्तान मौसम, इसीलिए हम इस पर काम करना चाहते हैं।
हम आपको इस मसले की अहमियत से आगाह करते हैं। तुर्क रियासत ने अनातोलिया में कारवां सराय कायम कर रखे हैं। ये कारवां सराय इस तरह तरतीब दिए गए हैं कि मुसाफिर घोड़ों के जरिए एक मकाम से दूसरे मकाम बासानी जा सके। कारवां सराय ऐसे मकाम पर बनाए गए हैं जहां घोड़े थक जाते हैं, इसी वजह से कदीम शाहराए रेशम अभी तक कायम है। पिछली दो सदियों से ये किसी खास काम नहीं आई। पुर्तगालियों ने कोहे उम्मीद हासिल कर लिया, इसके बावजूद उन्होंने इस्लामी सरजमीनों का इस्तेमाल जारी रखा। हत्ता कि बर्तानिया ने नहर सुइस को दुनिया के लिए खोल दिया। इस नहर के मालिक के पूरी दुनिया में तिजारती ताल्लुकात हैं शहजादों। यह हमारी सियासत का एक राज है। इस वक्त तक हमने इस राज को राज ही रखा हुआ था। रेलवे लाइन जब माउंट से होते हुए अकाबा पहुंचेगी तो फिर क्या होगा? हम नहर सुइस तक रसाई हासिल कर लेंगे और जिस वक्त भी चाहे सामान की तरसील कर सकेंगे। आफरीन, जिस तरह हमारे दादा फाते ने रोमेली किला तामीर करवाया था, यह काबा हमारे लिए बहुत अहम है। सुल्तान मौज़्ज़म। कहिए पाशा। फलस्तीन से मुतालिक एक बहुत ही अहम खबर है। आप सब जा सकते हैं। मेरे सुल्तान, अर्ज़ मऊदा के लिए राजी की खरीदारी का पहला हदफ वो हिस्सा है जहां से हमारी रेलवे लाइन गुजरेगी। पाशा, फिक्र मत करें, हम अर्ज़ मऊदा और रेलवे लाइन की गुजरगाह की अराजी दोनों हासिल कर लेंगे। बैठिए पाशा। तहसीन पाशा, एक हम हैं और हमारे साथ आप हैं, हमारे गिर्द गद्दार हैं। अगरचे उन्हें मारना आसान है, मगर गद्दार नजर के सामने हो तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप अतराफ के गद्दारों से लाइल रहें। यह हमारी सियासत है, लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम एक नक्शा बनाते हैं, फिर अचानक कोई इदारा आता है और उसी सरजमीन को खरीदने की कोशिश करता है। सुल्तान मौसम, दुश्मन खामोश नहीं बैठते, आपकी गफलत नहीं बख्शेंगे, जरा सी कोताही पर चढ़ दौड़ेंगे आप पर। अब हम क्या करेंगे सुल्तान? आपको लड़खड़ाना नहीं है पाशा, संभालना है खुद को। मक्का अल्लाह ताला का हरम है, मदीना रसूल अल्लाह का हरम है, कुद्स मोमिनीन का हरम है। अल्लाह और रसूल अपने हरम की हिफाजत फरमाएंगे, लेकिन क्या हम अपने हरम की हिफाजत कर सकते हैं? क्या हम कुछ के लिए दावा कर सकते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं कुछ को कुछ भी नहीं होने देंगे? इंशाल्लाह। मेरे सुल्तान, इस खरीदारी को आखिर हम कैसे रोक सकते हैं? ऐलान में यह कहा गया है कि पाए तख्त की रिहायशी अराजी की कीमत के बदले फलस्तीनी अपनी सरजमीन फरोख्त कर दें, उन्हें धोखा दिया जाएगा। पाशा, कमालुद्दीन पाशा को अपने साथ ले जाएं। इश्तिहारात में बताए गए उस रिहायशी जमीन के मालिक को तलाश करें और उसे समझाएं, और अगर वो नहीं समझता तो उससे कहें, हमारा एक खानदान है, इस खानदान का बड़ा खलीफा होता है, उसका फर्ज कलमा इलाही का निफाज होता है, कुछ उसके पास अमानत है और उस अमानत की हिफाजत की खातिर जान दे भी सकता है, ले भी सकता है। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आपने मुझे बुलाया शहजादे? आए बैठे सबातीन। क्या देख रहे हैं आप? रेलवे लाइन का नक्शा। वाह शहजादे, इस तरह तो
सुल्तान ये मंसूबा आपके हवाले कर देंगे। हमारा ऐसे कोई इरादा नहीं है, हमने अपना काम कर दिया। कैसे? तमाम रास्ते याद कर लिए हमने। क्या मुझे बताएं कहां से गुजरती है रेलवे लाइन? रेलवे लाइन का नक्शा, हाँ। आपने जो काम किया है उसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। ये नक्शा आजादी का पैगाम है। तारीख आपको याद रखेगी, तारीख इस आजादी पसंद शहजादे को याद रखेगी, तारीख हमें याद रखेगी। ज़ैनब भाई, तुम रो क्यों रही हो? उमर, बताओ क्या हुआ उमर को? उमर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने मेरा दिल दुखाया है। उसने तुमसे कुछ कहा है जो इतनी परेशान हो गई? तुम तो जानती हो जब वो नाराज होता है तो कुछ भी कह देता है। मैं कई सालों से उमर से शादी की उम्मीद लगाए बैठी थी। मैंने हमेशा यही ख्वाब देखा है भाई। आसिया खाला भी यही चाहती थी, अक्सर कहती थी कि मुझे अपनी बहू बनाएंगी। ये बात उमर भी जानता था, लेकिन अब कह रहा है आसम से शादी करना चाहता है। मैंने इतने साल उसका इंतजार ही क्यों किया? यहाँ से चलते हैं भाई, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बस करो मेरी बहन, बस करो। मेरी बहन के जज्बात से खेलना इतना आसान नहीं है। ज़ैनब, खुद को संभालो। तुम्हारा भाई है ना, ये तुमने गलत कर दिया उमर, बहुत गलत। 150 किलोमीटर की रेलवे लाइन अकाबा से गुजरेगी। अकाबा से? ये तो यतीम खाना है, यानी वेटिकन की खबर झूठी थी। अकाबा लाइन का राज कैसे अफशा कर दिया? इसी वक्त सारे ओहदे वापस लिए जाते हैं। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। वही राज जो आपने सबाहद्दीन के हवाले किया था, उन्होंने अपने मफाद के लिए आपके मामू को इस्तेमाल किया। उस महल वाली अनजान लड़की के लिए तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ दिया, सिर्फ उस लड़की के लिए। इस बार तुम नहीं बचोगे सुल्तान। हम यहाँ हैं हिरन।